जितना ही बटोगे उतना ही कटोगे, एक तो हमें होना ही पड़ेगा। और सुनो, जब बहन मायावती पंडितों को और मुसलमानों को टिकट दे सकती है, और जिस पार्टी को हमने अपने वोट से सींचा है और हमारे युवा साथियों के पीछे लगे रहे, अब जब टिकट देने का नंबर आया तो हमने कह दिया कि हम तो बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, क्यों ना होंगे भाई, क्यों ना होंगे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मंत्री हमें बनाइए, महामंत्री हमें बनाइए, हमें सांसद बनाइए, विधायक बनाइए, पार्षद बनाइए, कितने लोग और टिकट देते हैं भाई। पार्टियां बना के लोग बैठे हैं, जिनसे हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है ना, तो वो कोई सरकार में सम्मिलित है, ना वो कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री है, वो कुछ है ही नहीं। पत्थर में सिर मारने से क्या फायदा। आदरणीय साथियों, जो आज विचार गोष्ठी का कार्यक्रम मेरे बड़े भाई सुरेंद्र चौधरी जी ने रखा है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है कि कोटे में कोटा बकरीकरण, ये और हरियाणा में पंजाब में बहुत वर्षों से मिल भी रहा था, और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सभी में ये मिलना चाहिए, इसकी बहुत लंबी लड़ाई है। जो राज्य सरकार हैं अभी, तो उनसे हमारी लड़ाई है, वो अपने अपने स्टेटों में इसको लागू करें। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कह दिया कि मिलना चाहिए, लेकिन उसमें ये भी आदेश पारित कर दे सुप्रीम कोर्ट कि इस देश में, इस राज्य में ये लागू किया जाए। अभी तो सरकारों के, जो राज्य सरकार चल रही है उनके ऊपर निर्भर है हम लोग, उनसे हमारी लड़ाई है, हमारी किसी सांसद से, किसी मुख्यमंत्री से नहीं है, ना ना उनसे लड़ाई कुछ नहीं हमारी, ये तो बेवकूफी है। हमारी लड़ाई सरकार से है, कहाँ से हमारा आरक्षण मिलेगा। अभी तो सभी लोगों में ये जो हमारी नौकरियां है सब में, तो उन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी, आरक्षण वहां पर खत्म, शिक्षा हमारे वहां तक पहुंच नहीं पाती। 14,565 रुपये में क्या होता है, 9,991 रुपये में क्या होता है, हमारे रोजगार नहीं है, हमारे जो रोजगार है वही छिन रहे हैं। सरकार से लड़ाई है हमारी, सरकार से मांग है हमारी कि सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा खत्म करें, और इसको आदेश करें राज्य सरकार को कि ये जो आरक्षण है सरकार इनको लागू करें। हमारी लड़ाई तो कई प्रकार चलेंगी, अभी जो ये हमारी पार्टियां बना के लोग बैठे हैं, जिनसे हमारे लोग डिमांड कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है ना, तो वो कोई सरकार में सम्मिलित है, ना वो कोई मुख्यमंत्री है, ना कोई प्रधानमंत्री है, वो कुछ है ही नहीं। पत्थर में सिर मारने से क्या फायदा। हमारी लड़ाई सरकार से है, सरकार ने जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने करे उसको लागू करें सभी प्रदेशों में। और जो शिक्षा का मामला है, शिक्षा कहाँ से हमारी पूर्ण होगी, 9,965 रुपये मिलते हैं जिला गाजियाबाद में, और 12-12 घंटे लोग काम करते हैं, और आपकी राष्ट्रीय बाल्मीकि सेना और अपनी अखिल भारतीय बाल्मीकि महापंचायत जो हमारे समाज संगठन है उनके नेताओं से पूछो, साइकिल पर जाते हैं हम लोग, किराया भाड़ा भी हमारे पास में नहीं होता है। सरकार से लड़ाई है हमारी, सरकार इनको देखे, ठेकेदारी प्रथा खत्म करें, 25-25 साल भी हो गए हैं में, उनको परमानेंट करें, जो परमानेंट हो गए उनको बकाया दें ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारे घर मजबूत हो, हमारे बेटे की शादी हो। बहुत दुख का विषय है, आरक्षण तो हम ले ही लेंगे जो हम लोग पढ़े लिखे होंगे, अभी तो 20 साल में और लग जाएंगे। अभी सुरेंद्र चौधरी जी का आशीर्वाद मिला है, जय भगवान जी का मिला है, और मंच पे हमारे बैठे वक्ता बड़े बड़े, हमारे अध्यक्ष जी बैठे, करोड़ जी बैठे, अभी तो हम बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको डिग्री हासिल करवाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास में 14-14 डिग्रियां थी, आपके पास कितनी डिग्रियां है, जितने मोहल्ले उतने संगठन। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि आप अलग अलग संगठन बनाओ, जितना ही बटोगे उतना ही कटोगे, एक तो हमें होना ही पड़ेगा। और सुनो, जब बहन मायावती पंडितों को और मुसलमानों को टिकट दे सकती है, और जिस पार्टी को हमने अपने वोट से सींचा है और हमारे युवा साथियों के पीछे लगे रहे, अब जब टिकट देने का नंबर आया तो हमने कह दिया कि हम तो बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, क्यों ना होंगे भाई, क्यों ना होंगे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मंत्री हमें बनाइए, महामंत्री हमें बनाइए, हमें सांसद बनाइए, विधायक बनाइए, पार्षद बनाइए, कितने लोगों को आप टिकट देते हैं भाई, कितने लोगों को आप टिकट देते हैं। आप चांस तो हमें देते नहीं है, और जब दूसरी पार्टी हमें कुछ बना देती है तो आपके पेट में दर्द हो जाता है। अब जब सरकार ने बोल दिया कि बकरीकरण होना चाहिए,
ये तो बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा ले भी नहीं सकते ना हम लोग। हम इसे जमी तो लेंगे जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अभी तो गली गली में बोले बोले में हमें अलग जगाना है, अपने भाइयों को समझाना है, अपने बच्चों को शिक्षित करना है, अपने नौजवानों को अपनी अखिल भारतीय बालविक महापंचायत राष्ट्रीय बालविक सेना जो हमारे संगठन है इनसे जोड़ना है। हमारा जब डंडा और हमारा झंडा होगा हम लोग मजबूत होंगे, जब ये दूसरे लोगों को मालूम पड़ेगा कि हम लोग क्या है। हमारी कोई पार्टी बने एक लेवल की, एक मंच हमारा बने, अभी तो जितनी गली उतने ही संगठन उतने नेता। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इकली लकड़ी नाए जिले नाव जियार होए और राम को लक्ष्मण मार के राम अकेला होए। अगर मैं अपने चौधरी साहब का काट करूंगा आपस में हम लोग लड़ेंगे तो दुश्मन तैयार बैठा है। जिसने आपको कुएं पानी नहीं पीने दिया, आपको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, आपको मोछ रखने पर मारा, आपके बच्चों को घड़ा छूने मारा, अभी ज्योति नगर में देखिए परसों आपके एक बच्चे को सरिया से मारा है, अभी एक लड़की का भी एक केस आया था परसों मेरे पास में, वो बच्ची को घर से ठा के ले गए। सोची समझी शादी के तहत उसने बलात्कार करा। चलो ये जो निर्भय कांड हुआ था वो तो बस में उन दरिंदों ने उसको पहले जानते नहीं थे, लेकिन जो बच्चियां घरों में वो शिक्षित नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई हम लोग लड़नी है, तो इसलिए हमें सबको एक होना पड़ेगा। जैसे कि अभी प्रतिमा का मामला था संसद में, क्या एक और ने लड़ाई लड़ी? उसमें हम सब लोग थे। तो जहाँ पे चूड़े चमार साथ में गाली खाते आए, साथ में पिटते आए हैं, और जब आरक्षण की बात हुई तो हम बीजेपी का एजेंडा बता दिए, आरक्षण को बता दिया नहीं। अपनी पार्टियों में भी हम आरक्षण दो, जो पार्टियां हमने खड़ी करी है, जिनके संस्थापक हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जिन्होंने काशी राम जी को बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बताया, बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूवमेंट के बारे में बताया। आज वो पार्टी खड़ी हो गई तो बहन जी कहती है कि जिनको वो करने का समर्थन कर रहा हो पार्टी छोड़ के चले जाए। कैसे चले जाए? अभी तो आपकी जो पार्टी है वो आपकी पार्टी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो अपना जो आयोग है चुनाव आयोग, पार्टी की सदस्यता भंग करें, क्योंकि ये भी ऊंची जाति के लोगों को, पूंजीवादियों को, मनवादियों को टिकट देना तो पसंद करते हैं, लेकिन चूड़ों को चमारों को भी टिकट नहीं देते। क्योंकि मैं लाजपत नगर में रहता हूँ, मुझे पता होता कि किराया भाड़ा भी नहीं होता चौधरी साहब तो साइकिल से चल देते हैं। आज भी बहुत लोग साथी मेरे आ रहे थे बरसात से, रुके कुछ तो मेट्रो पे खड़े हमारे साथी अभी भी, हम मोटरसाइकिल से आगे। हमारे मन में दुख है, हमें जरूरत है कि एक पटल की जरूरत है, आज हमें एक मंच की जरूरत है, हमें बटने की जरूरत नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे। आदरणीय हमारे चौधरी साहब और हमारे जो मंच के संचालक हैं करोतिया जी हैं, राजेश प्रवक्ता जी हमारे साथ में, पत्रकार बंधु हैं, हमारी छोटी बहन बैठी है, और हमारे जो बुद्धिजीवी बैठे हैं करोतिया जी हैं हमारे। आप सबने मुझे बोलने का अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक लड़ेगा एक पढ़ेगा, एक करेगा वही पार और एक करेगा चाकरी, ऐसा दिया अधिकार, ऐसे का अधिकार हमने चाहिए। कब तक गुलामी करेंगे हम लोग? कब तक सीवर में डूब के मरेंगे? क्या हमारी नसीब में लिखी हुई है? अरे झाड़ू दिखा कर अपने सरकार बना दी, मुख्यमंत्री बन गए, जेल में बैठ के सरकार चला रहे हैं। लेकिन आपका एक मंत्री बनाया था उसे भी 36 इल्जाम लगा के उसको भी बाहर कर दिया। सिंबल दिखा दिया झाड़ू का, केजरीवाल और चंदेलवाल लॉर्ड जी, गुमराह कर दिया समाज को, और सामने खटाखट खटाखट फटाफट करके सरकार बनवा दी। कितने लोग परमानेंट करे कि आप वादे हजार करते हो, मैं की हर बार करता हूं, आप वादे हजार करते हो, मैं की हर बार करता हूं, और मैं जानता हूं तुम हो बेवफा, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूं, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूं। साथियों, अब प्यार करने का जो समय नहीं है, अब तकरार करने का समय है। अब हमारी जो किपीर बढ़ गई है पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए, और मेरे सीने से नहीं, सुरेंद्र चौधरी के सीने से सही, कोई ना कोई यहां से कंगा निकलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम। नमस्कार।